चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में। समय कितना दिया है? एन का मान दिया है कितना? 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, एन का मान 2 वर्ष। फिर क्या है, 2 वर्ष में 41.7720 यानी मिश्र धन दिया है। अच्छा, ए का मान मिश्र धन कितना दिया है? 41.7720। ठीक है, ध्यान दीजिए, इतना रुपया ये क्या है, पहले मूलधन कुछ था, उसका 18% वार्षिक ब्याज की दर से क्या हुआ मिश्र धन, 2 साल में इतना हो गया। यानी जो बैलेंस होता है, पहले कुछ था, कुछ से बदल गया अब इतना, यानी ये क्या हो गया मिश्र धन। ठीक है, आपको आसानी से मूलधन ज्ञात कर लेना होगा। ठीक है, तो आपको मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर होता है पी वन प्लस आर बाय 100 की पावर एन, यही होता है। सभी मान फटाफट रखेंगे, ए का मान हमारे पास है यहाँ पे 41.7720। ठीक है, पी पी का मान हमारे पास नहीं पता, पी वन प्लस आर, आर का मान हमारे पास 18/100, आर का मान हमारे पास 18 है। ठीक है, आर का मान 18/100, एन एन का मान हमारे पास है 2। ठीक है, तो यहाँ पर 41.7720 बराबर पी, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 2 9 18, 2 से 50 बार। ठीक है, 50 51 50, 50 59 59/50 की घात 2। समझिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 41.7720 इज इक्वल टू पी गुणे 59, घात 2 है यानी 2 बार, 59/50 गुणे 59/50। ठीक है, इतना करेंगे, अब क्या होगा, ये सब क्या है, गुणा दे रहा है, चलिए यहीं पे गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे 41.7720, तो यहाँ पे पी गुणे 59 कर लीजिए, 59 गुणे 59 करेंगे, 981 हासिल, 981 हासिल 8000, चलिए 981 हासिल 8000, 945 ठीक है, तो इनका फटाफट गुणा कर लेंगे आप लोग। चलिए आइए गुणा करके हम लोग फटाफट देखते हैं, जैसे हम लोग गुणा करेंगे ध्यान से देखिए, ठीक है, उनका गुणा कर लेंगे, उसके बाद मान रख, चलिए उनका गुणा कर लिए, ठीक है, आपको गुणा जैसे ही करेंगे आपको मिलेगा कितना, 34.81। ठीक है, इनका गुणा कर लेंगे आपको मिलेगा 34.81, और यहाँ पे 5 5 25 0। ठीक है, फटाफट कैलकुलेशन कर लेंगे, अब पी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहीं से इसको बढ़ा लेते हैं उधर, तो यहाँ पे भाग दे रहा है बच्चा, तो बराबर के साथ गुणा देगा। ठीक है, चलिए, तो अब पी पी यहीं पे छोड़ रहा है। ठीक है, तो पी बराबर ये भाग तो इससे गुणा, चलिए क्या हो जाएगा, 417.7.2×2500। ठीक है, बटे ये यहाँ पे गुणा, तो बराबर उस साइड भाग देगा, यानी 3481। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर भाग दे देंगे, ध्यान दीजिए, इन सभी का गुणा, इसका इसका गुणा करके इससे भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे ही गुणा करेंगे आपको मिलेगा कितना, मिलेगा ध्यान दीजिए, 4177.2×2500। And divide by 3481। ठीक है, जैसे गुणा करेंगे और इसे भाग देंगे तो आपको मिलेगा 3000। ठीक है, तो P का मान इस तरह से आ जाएगा, जैसे आप लोग गुणा करेंगे और भाग